किस उम्र की औरत में ज्यादा डिजायर होती है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। औरतें ज्यादा फर्टाइल जब होती है वो है पीरियड उनके 16 से लेके 26 साल तक, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, बहुत ज्यादा हाई हार्मोनल लेवल्स हैं, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है और सेक्स ड्राइव भी ज़्यादा है, इच्छा भी बहुत ज़्यादा है। और फर्टिलिटी मतलब वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ये उम्र में है। हमारे यहाँ, हमारे देश में 18 साल के नीचे शादी अलाउड ही नहीं है, तो फर्टिलिटी ज़्यादा है तभी भी लोग अवैध इंटरकोर्स करते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, डिज़ायर ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर प्रॉब्लम्स में फंस जाती है। हम तो अभी आजकल ये ज़माने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत पिछड़ा हुआ इंसान माना जाता है, लड़का माना जाता है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा तू है, मतलब वो तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अभी उम्र की, उम्र के हिसाब से। मगर उसमें हरदम लेडीज़ ने, मतलब लड़कियों ने देखना चाहिए कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज भी करते हैं, हाई फर्टिलिटी है, हाई डिज़ायर है, तभी भी वो देखना चाहिए कि इनफ प्रिकॉशंस लिया है ताकि प्रेगनेंसी ना आए। इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहता है। फिर क्या होता है कि जैसे 26, 28, 30 साल ये उम्र में शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बच्चे को बड़ा करना, उसका लालन पालन पोषण करना, तो उसमें फिर सेकंड भी बच्चा हो गया तो उसमें उसका पूरा दिमाग रहता है। तो ये जो पीरियड है 26 से लेके 40 साल तक, इसमें वो बच्चे में मशगूल हो जाती है, घर के कामकाज, घर में एडजस्ट करना, बच्चों को देखना, तो उसकी नेचुरली डिज़ायर कम रहती है। और 40 के बाद जब उसके, मतलब ये स्टडीज़ है कि जैसे जैसे फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टाइलिटी कम है, हार्मोनल लेवल्स कम है, मगर डिज़ायर बढ़ जाती है। क्योंकि अभी क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेंटल टेंशन प्रेशर नहीं, अभी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, फिर बातचीत करना लेडीज़ के साथ में, बातचीत करना, फिर मूवीज़ देखना, फिर और मतलब ज़्यादा यूट्यूब पर रहना, फेसबुक पर रहना, तो उसमें फिर ये उम्र में ज़्यादा उनकी डिज़ायर हो जाती है। और इवन दो उनकी हार्मोनल लेवल्स कम है, अभी मेनोपॉज आने वाला है, मतलब महामारी बंद होने वाली है, तभी भी डिज़ायर ज़्यादा हो सकती है। अभी इसमें आदमियों का उल्टा होता है, क्या होता है कि 40-45 साल में वो सेटल होना थोड़ा सा चालू हो जाता है, मगर प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बिजनेस थोड़ा सा पिकअप हो रहा है, बहुत स्ट्रेस टेंशन है, दिन भर काम चालू है, और फिर नेचुरली सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। तो इसमें चांसेस ये है कि 40-45 साल की उम्र में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप औरत के होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और उसमें यदि प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी से यदि उसके मेल पार्टनर को प्री मैच रिजैकुलेशन हो रहा है, मतलब जल्दी गिर जाता है और औरत का समाधान होता नहीं है, तो फिर फुल चांसेस है कि वो विवाह बाह्य संबंध रख सकती है। तो ये दोनों जो उम्र है, मतलब 16 से 26 साल, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, और उधर 40 से 50 साल, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मगर 40 से 50 में यदि मेनोपॉज जल्दी आ गया तो क्या होता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है, योनि में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है, और फिर सेक्स करने में तकलीफ हो सकती है। तो इसमें फिर लुब्रिकेंट्स का वापर करना, लुब्रिकेंट जेली है, इसमें जो दर्द होता है, स्पाजम है, तो एनेस्थेटाइज जेली का वापर करना, तो ये यदि करते हैं तो फिर तकलीफ होंगी नहीं, और लुब्स वापरते हैं तो डेफिनेटली सेक्स भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। औरत ने यह बोलना चाहिए कि उसकी इच्छा है तो एक्सप्रेस करना जरूरी है, अपने मेल पार्टनर के साथ में एक्सप्रेस करना है, उसको यदि प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करना जरूरी है, और मतलब जल्दी गिरने का, क्योंकि हमारे तरफ जो लोग आते हैं ना, तो उनका सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम होता है वो इरेक्शन का नहीं होता है, उनका होता है कि जल्दी गिर जाता है और मैं फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। तो मेल ने ये भी देखना है कि जब वो सेक्स करता है तो फोर प्ले में ज़्यादा टाइम देना, आफ्टर प्ले में ज़्यादा टाइम देना, ताकि वो अच्छी सेटिस्फाई हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी
से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।